राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का मतदान आज 7 बजे से शुरू हो चुका है। हम हैं अभी 2 विधानसभा सीट में जो इन उपचुनाव में एक हॉट सीट नजर आ रही है, जहां से बीजेपी की अगर बात करें तो किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा मैदान में है, वहीं कांग्रेस से डीसी बेरवा को प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले अगर बात करें तो मुरारीलाल मीणा जो थे वो विधायक थे यहाँ से, और उनका सांसद बनने के बाद ये उपचुनाव यहाँ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से जो पोलिंग बूथ है वहां पे जो मतदान कर्मी है वो उनका आना सिलसिला शुरू हो चुका है। ये जो है पोलिंग बूथ है दौसा में, दौसा शहर की ये पोलिंग बूथ है। यहाँ पर सुबह 7 बजे से ये जो है पोलिंग बूथ जो है मतदान शुरू हो चुका है, और शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। तो आप देख सकते हैं जो सबसे हॉट सीट जो है ये दौसा विधानसभा इन 7 सीटों में मानी जाती है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा के भाई जो है जगमोहन मीणा उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो डीसी बेरवा यहाँ से प्रत्याशी है, और टोटल अगर प्रत्याशियों की बात करें तो 12 जो है मैदान में है, और 240 बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं, 240 जो पोलिंग बूथ है वो बनाए गए हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें 12 जो कंपनियां हैं उनको यहाँ लगाया तैनात किया गया है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग जो व्यवस्था भी है वो की गई है, यानी हर एक ताकि मतदान कर्मियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो उसके लिए भी पूरी एक व्यवस्था की गई है। उसी के अनुसार जो है अलग अलग जो है बूथों का यहाँ पे बनाया गया है, एक 240 बूथ जो पूरी विधानसभा में है। उसी के साथ जो अगर सुरक्षा की बात करें तो 12 अर्ध सैनिक बल की जो कंपनियां हैं वो यहाँ तैनात की गई है, और एक संवेदनशील क्षेत्र में भी ये क्षेत्र आता है, ये विधानसभा आती है। दौसा एक बहुत हॉट सीट मानी गई है, मानी जाती है क्योंकि क्रोडी है उनका एक प्रभाव यहाँ माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट का प्रभाव माना जाता है। कई जो प्रत्याशी उनसे भी हम बात करेंगे। सर देखिए जो क्या प्रमुख मुद्दे हैं? प्रमुख मुद्दे हमारे जैसे बेरोजगारी है और पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है दौसा ज़िले में, तो पानी की समस्या का समाधान हो और ये मेन समस्या है दौसा। पानी की समस्या, बेरोजगारी और शांति व्यवस्था कायम रहे, सबसे ज़्यादा तो पानी की समस्या है। पानी बिना इंसान तो अधूरा है, बस यही। आप देख सकते हैं जो जनता है उसकी जो समस्या है वो जो बता रहे हैं पानी की समस्या है, और कई महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं। क्या पानी तो सही घूमो सब वोट तो ले ले चल सब हाथ ला दे भाई सब हाथ ला दे वोट ले ले सब हाथ ला दे पानी आओगे गटर लाइन आओगी कहीं भी कौन आओ मोल को पिया सर मजा करा सर मजदूरी भी कौन अस भाई मजदूरी भी कौन जी कहीं करा अस भाई कहीं पानी कहीं से डलाओ फिर मोल उन्हें फिर भी पी रहे चाह वोट लिया बाद में सब शेयर हो जाओ सब। आप देख सकते हैं कि प्रमुख जो मुद्दा है यहाँ की विधानसभा सीट पे वो है पानी की समस्या, क्योंकि एक किसान जो बहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है, किसान यहाँ से बहुत जो क्षेत्र है क्योंकि उनको पानी की जो समस्या है वो, क्योंकि एक इन चुनाव में जो मुद्दा रहा था ERCP का मुद्दा भी रहा था, इसलिए आप देख सकते हैं और भी कई क्षेत्रों से हम बात करेंगे। सर क्या प्रमुख विधानसभा में मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पहले तो पूर्ति होनी चाहिए, जैसे जल सुविधा होनी चाहिए। आजकल 2 सप्ताह में एक बार 5 मिनट या 7 मिनट के लिए ही मतलब कि पानी की आपूर्ति होती है। जब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो पाएगी तो डेवलपमेंट तो सबसे फिर बाद की बातें हैं, तो पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए। दूसरी होनी चाहिए कि रोजगार के अवसर है ज़्यादा से ज़्यादा मिलने चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट में भी आजकल रोजगार कम कर दिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कम किए, तो सेकंड प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। और तीसरी है कि ये लोगों में मतलब कि भय की स्थिति ना हो, आराम से मतलब शांति से अमन चैन के साथ जिंदगी जिए, बस यही प्राथमिकता है। बाकी तो आम जन सब समझदार है, स्वाविवेक से वोट मतलब कि देंगे। धन्यवाद। महिलाएं भी यहाँ मौजूद है मैम, सर सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो पानी है, सेकंड महिला सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है अगर देखा जाए तो, कि महिलाएं रात को निकल जाए बाहर निकले ये भी एक सुरक्षा है, कि बाहर निकले रोजगार करने जाती हैं व्यवसाय करने जाती है तो उनके साथ छेड़छाड़ी नहीं हो कोई किसी प्रकार की वो असुविधा नहीं हो, ये भी एक मुद्दा है। बाकी सब शांति से जिए यही चुनाव का उद्देश्य है। सर
आप देख सकते हैं जो महिला सुरक्षा की जो बात है वो भी यहाँ उठती हुई नजर आ रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो पानी है, और उसके बाद में महिला सुरक्षा, यानी महिलाओं से जब हमने बात की है तो वो कहती है कि महिला की जो सुरक्षा है वो भी जरूरी है। और भी हम बात करें तो और भी क्षेत्र देख सकते हैं आप, जो भी यहाँ पे जो बूथ है वो बनाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं पीछे मेरे जो बैरिकेड से लगाए गए हैं जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी जो है यहाँ व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं जो पोलिंग बूथ है उनको डिवाइड किया गया है, यानी किसी भी जो अव्यवस्था जो है वो ना हो, जो मतदान कर्मी आए उनको असुविधा का सामना ना करना पड़े, उसके लिए जो है पूरा एक सिस्टम अलग से तैयार किया गया है। पूरे बैरिक जो है जो लाइन वगैरह है बैरिकेड्स लगा के वो बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं जो पोलिंग बूथ है उसके हिसाब से सुरक्षा की दृष्टि से ये पूरी व्यवस्था की गई है। और देख सकते हैं 240 जो बूथ बनाए गए हैं उनमें से जो दौसा विधानसभा है उसमें 240 बूथ बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे या जो अब सुबह 7 बजे मतदान जो शुरू हुआ है, धीरे धीरे जो मतदान कर्मी है वो यहाँ आने शुरू हुए हैं और ये शाम 6 बजे तक चलेगा। यानी जो विधानसभा है ये सबसे हॉट विधानसभा सीट मानी जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो बैरिकेड्स लगा के किसी भी आमजन जो मतदान उसको सुविधा ना, उसके लिए अलग अलग जो है सुविधा के अनुसार बैरिकेड्स की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है अर्धसैनिक बलों की जो कंपनियां हैं वो 12 जो कंपनियां हैं उनको तैनात किया गया है। तो ये जो विधानसभा सीट है दौसा विधानसभा सीट है सबसे हॉट सीट मानी जाती है। इसी के सुबह 7 से शाम 6 बजे तक चुनाव होंगे। तो कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।